हेलो सेलर्स, थैंक यू फॉर चूजिंग पिकर। आपके ऑर्डर्स को सेम डे पिकअप करवाना पिकर के लिए एक प्रायोरिटी है और इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। आप जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करें, इंश्योर करें कि आप उसे सुबह 11 बजे से पहले प्लेस कर रहे हैं ताकि हम उसका सेम डे सुबह 11 से लेकर शाम 8 के बीच में पिकअप करवा सकें। यदि आप ऑर्डर सुबह 11 बजे के बाद प्लेस करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट डे पिकअप होगा। अधिकतर होता है कि पिकअप फेलियर हो जाता है, वो इस कारण होता है कि पिकअप एग्जीक्यूटिव पिकअप बॉय आपके पास टाइमली पहुंच नहीं पाता, आपका नंबर नहीं लगता है या फिर एड्रेस उससे मिल नहीं पाता। तो इसमें आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो नंबर आप हमें दे रहे हैं वो 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर है। साथ ही आपकी जो पिकअप लोकेशन का आप एड्रेस हमें बता रहे हैं उसमें जितना हो सके उतनी डिटेल्स ऐड करें, प्रॉपर बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर ऐड करें ताकि एग्जीक्यूटिव आपके पास टाइमली पहुंच सके। जब भी आप ऑर्डर्स को तैयार कर रहे हैं पिकअप के लिए, मेक श्योर करें कि आप साथ में मैनिफेस्ट भी डाउनलोड कर रहे हैं। मैनिफेस्ट को आपको पिकअप एग्जीक्यूटिव से साइन भी करवाना है ताकि आपके लिए एक पिकअप प्रूफ हो, जिससे इंश्योर होगा कि आप जितने ऑर्डर्स प्लेस करे थे वो सेम डे पे पिकअप हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई प्रोडक्ट 50,000 रुपए से ज्यादा के इनवॉइस वैल्यू का है तो आपको उसके लिए ई वे बिल नंबर भी जनरेट करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आज ऑर्डर्स जितने थे उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर्स कल पिकअप करवाने हैं, आज ही हमें इन्फॉर्म करें कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होने वाले हैं। इसमें हम ये करेंगे कि जो हम आपको व्हीकल भेज रहे हैं पिकअप करवाने के लिए वो हम बड़ी भेजें और आपके सारे ऑर्डर साथ ही पिकअप हो सके। आप ये रिक्वेस्ट pickup@picker.com पे रेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई आ रही है, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो या आपके पिकअप में कोई इशू आ रहा है, आप उसके लिए डैशबोर्ड पे यहाँ पे नीड हेल्प बटन पे क्लिक करके हमारे पास टिकट रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर दें, मोबाइल फोन नंबर, सब्जेक्ट पिकअप इशू, इशू कैटेगरी में आप मेंशन कर दें कि आपका पिकअप इशू है। साथ ही जिस ऑर्डर का पिकअप नहीं हुआ है उसका ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी यहाँ मेंशन कर दें। हमें थोड़ा सा डिटेल दीजिए कि अभी तक क्या हुआ है, पिकअप नहीं हुआ या एग्जीक्यूटिव का कॉल नहीं आया, ताकि हम उस पर अकॉर्डिंगली काम कर सके। आप जैसे ही ये रिक्वेस्ट रेज करेंगे, हमारी कस्टमर सक्सेस की टीम कुरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करके आपके पिकअप को एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश करती है। इसके अलावा अगर आपको यही पॉइंटर्स दोबारा पढ़ने हो या और जानकारी चाहिए हो तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, इसे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले आपके पिकअप से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। आप इन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें आपके पिकअप सेम डे पे टाइमली तरीके से हो रहे हैं। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है आपका ऑर्डर बाहर डिलीवरी के लिए गया पर आपका कस्टमर अवेलेबल नहीं था या फिर जहाँ पे हम पहुंचे वो सही एड्रेस नहीं था, एंड इसी तरीके के और कारण की वजह से आपका ऑर्डर टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया। इसके लिए आपके पास डैशबोर्ड पे एनडीआर सेक्शन है जहाँ पे आप ये सारे अपने ऑर्डर्स ऐसे देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इन ऑर्डर्स के ऊपर एक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या आप इन ऑर्डर्स को रीअटेम्प्ट करवाना चाहेंगे या फिर रिटर्न करवाना चाहेंगे। जब आप ऑर्डर्स को रीअटेम्प्ट या रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप उनको बल्क में यानी थोक में भी अपलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप बल्क में डाउनलोड करके हमें उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सभी रीजंस के साथ आपसे हमें थोड़ी सी और डिटेल चाहिए होगी जो कि मेंशन होगी आपके एसओपीज में। यहाँ से आप अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स खोल सकते हैं। इधर आपके लास्ट माइल के टैब में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से आप हमें बता सकते हैं रीअटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन। अगर आपका जो ऑर्डर है उसको कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया है और आप चाहते हैं कि हम उसे रीअटेम्प्ट करें तो उस केस में आपको हमें प्रूफ भी प्रोवाइड करना होगा। ये प्रूफ हो सकता है आपकी कस्टमर से हुई चैट का स्क्रीनशॉट, कस्टमर के भेजे हुए ईमेल का स्क्रीनशॉट या कस्टमर से बात करी हुई कॉल का ऑडियो रिकॉर्डिंग। आप इनको हमें भेज के एक प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम कुरियर कंपनी से आगे रीअटेम्प्ट करवा सके आपकी डिलीवरी पे। इसी तरीके से रीजंस यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। अगर उनका एड्रेस का इशू है तो आप हमें कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करें, सही एड्रेस प्रोवाइड करें कि कहाँ एग्जैक्टली हमें ऑर्डर को डिलीवर करना है।
अगर उनका फोन नंबर का इशू है तो आप हमें एक ऑल्टरनेट फोन नंबर सिर्फ प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि हम सही जगह पे कॉल कर पाएंगे, सही जगह पे पहुंच पाएंगे और सही टाइम पे डिलीवरी ऑफर कर पाएंगे। यदि आपकी डिलीवरीज में आगे आपको कोई कठिनाई आती है, आपको ये प्रूफ हमें प्रोवाइड करने हैं, तो आप डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे नीड हेल्प ऑप्शन पे क्लिक करें। इधर आपके पास इशू कैटेगरी में ऑप्शन है डिलीवरी रिलेटेड इशू। आप इस पे सेलेक्ट करके अपने ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर मेंशन करें और यहाँ पे इशू हमें डिस्क्राइब कर दें, ताकि हमारी कस्टमर सर्विस टीम इसके ऊपर काम करके इंश्योर कर सके कि आपके ऑर्डर्स टाइमली आगे डिलीवर हो रहे हैं। पिकर को चुनने के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी शिपिंग।